गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन का एक और मेथड। मैं आपके साथ ऑलरेडी दो तीन मेथड को डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से एल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, यानी हम एल्काइन को प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो आज का जो मेथड है हमारा वो क्या है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड की हेल्प से किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। अब ये बना कैसे है कैल्शियम कार्बाइड, तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है CaC2 वो बना कैसे है, तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास है ये CaCO3। तो ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, CaO और CO2 में। अब यहाँ से जो हमें मिला है ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये अगेन रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है CaC2 का, और यहाँ पे मिलता है हमें CO। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो कुल मिला के हमें कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। मेरा बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमें कैल्शियम कार्बाइड मिला है इसकी हेल्प से हम आज प्रिपेयर करेंगे एल्काइन को। अब ये हमारी रिएक्शन का मेन पार्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो किस तरीके से आया है, तो कैल्शियम कार्बाइड को रीज़न बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, वो है कैल्शियम कार्बाइड की हेल्प से एल्काइन को प्रिपेयर करना। तो जो कैल्शियम कार्बाइड है क्या वो डायरेक्ट एल्काइन को प्रिपेयर कर देगा, डायरेक्ट नहीं करेगा, वो किसी न किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। कुछ ना कुछ वहाँ पे रिएक्शन में कोई रिएजेंट यूज हुआ होगा, तभी तो हमें वहाँ पे फॉर्मेशन होगा एल्काइन का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड दैट इज CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, अभी अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है कि जो मेन प्रोडक्ट है हमारा जिस पे हमें फोकस करना है वो तो एल्काइन है। तो फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरीके से एल्काइन का फॉर्मेशन होता है और CaOH का होल ट्वाइस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि रिएक्शन मैंने ऐसे लिख दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ आपको समझना है कि कौन सा कार्बन किस तरीके से कहाँ गया है। तो देखिए यहाँ पर जो C2 है, दो कार्बन है, वो दो कार्बन तो इस तरीके से यहाँ आ गए। सबसे पहले क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर चार हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, यही दिख रहा है आपको, चार हाइड्रोजन एंड दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर है CA कैल्शियम। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि ये वाला जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम यहाँ से दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या लिया उसने, कैल्शियम आया यहाँ से, दो हाइड्रोजन लिए उसने यहाँ से और दो ऑक्सीजन ली। अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन की तो दोनों एटम चले गए, लेकिन हाइड्रोजन चार थी तो चार हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन गए, दैट मीन्स के दो हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कि यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा है कि सिर्फ दो हाइड्रोजन बचे हैं यहाँ पे, दो हाइड्रोजन, और ये प्रोडक्ट मिला है, और ये जो दो कार्बन है वो इस तरीके से लिख दिए मैंने दो कार्बन। अब यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन बचे हैं वो कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, ये वाले दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, और फिर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कब होगी, जब उस दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो फाइनली यहाँ पे जो हमें फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है, इथाइन है, यानी एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एल्काइन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, समझ में आया आपको, कि जो दो हाइड्रोजन है यहाँ से वो इथाइन C2 के साथ मिलकर के यहाँ पे इथाइन का फॉर्मेशन किए, बाकी CaOH का होल ट्वाइस अलग निकला है।
तो ये है हमारी रिएक्शन जिसकी हेल्प से हमने प्रिपेयर किया है एल्काइन को। इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रॉम कैल्शियम, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। और थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैल्शियम कार्बाइड किस तरीके से आया है यहाँ पर, तो वो किस तरीके से कैल्शियम कार्बाइड बना है मैंने हल्का सा आपको ये भी बता दिया है दो स्टेप के थ्रू। तो यहाँ पर जो मेन हमारा जो रिएक्शन है वो ये है, कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से आया है वो उस पर फोकस नहीं करना। मेन रिएक्शन ये है कि कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एल्काइन का फॉर्मेशन करता है, और ये एल्काइन को प्रिपेयर करने का एक और मेथड है। तो आई होप कि ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।